हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इन एंशिएंट टाइम, इन मिडिवल टाइम, देयर इज वन डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। और ये थ्योरी क्या बोलती है कि किंग दे डिराइव देयर पावर डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड, और इसलिए दे कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। वो कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स दिस थ्योरी लेजिटिमाइजेज एब्सोल्यूटिज्म। मीन्स देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ द किंग। आप किसी सेम एक्ट के लिए किसी को पनिश कर सकते हो, पनिश नहीं भी कर सकते हो। एंड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्टेटस पनिशमेंट भी वेरी करे। ये भी हो सकता है लॉर्ड्स के लिए, नोबल्स के लिए अलग पनिशमेंट हो, अलग लॉज हो, एंड फॉर कॉमन मैन अलग पनिशमेंट हो। सो देर इज एन एलिमेंट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। ओके, सो दिस इज डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट जो हमें देखने को मिलती है एंशियंट टाइम में एंड मिडिवल टाइम में। एंड लेटर ऑन This theory was criticized by Sir Edward Coke, who was the first to criticize this theory. और उन्होंने ये कहा कि the king should be subjected to rule of law as well. और यहीं से बात निकल के आती है rule of law की। तो the expression rule of law is used to distinguish itself from the expression rule of man. And this concept involves एलिमेंट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, और इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया था। एंड लेटर ऑन दिस कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय एवी डाइसी, हु वॉज ए ब्रिटिश जूरिस्ट। ओके, एंड उनका बहुत ही फेमस वर्क था इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की थी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, काफी डिटेल में समझेंगे वॉट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। ओके, इसके डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखो, दिस टर्म हैज इट्स ओरिजन इन इंग्लैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि लॉ इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन द कंट्री। लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, इवन किंग वो भी लॉ से ऊपर नहीं है। सो लॉ इज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड एवरीवन इज सब्जेक्टेड टू द अथॉरिटी ऑफ लॉ रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजिशन। इट डज नॉट मैटर आप रिच हो, आप पुअर हो, आप ऑफिशियल हो, आप नॉन ऑफिशियल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किंग हो, आप लॉर्ड हो, आप नोबेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवरीवन विल बी सब्जेक्टेड टू द अथॉरिटी ऑफ लॉ। और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एलिमिनेट द एलिमेंट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इन द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो वी कैन से कि इट इज नॉट द लॉ दैट इज सब्जेक्टेड टू द गवर्नमेंट, नो, it is the government that is subjected to the law, and this is the meaning of this concept of rule of law. I hope ye concept aapka clear ho gaya hoga. Okay, ab dekho jo A.V. Dicey the unhone rule of law principle ki three implications di hain, and that is very important to understand this concept. The first implication is absence of arbitrary authority. Iska simple sa matlab ye hai ki no one is penalized until he violates the law. इसको समझते हैं। मान लो कोई पर्सन है एक्स और इन्होंने कोई एक्ट किया है, तो इनको पनिशमेंट तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि देर इज वन लॉ अवेलेबल एंड उस लॉ में ये एक्टिविटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस, तो तब तक आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो वॉट इज द ऑब्जेक्टिव कि आप किसी भी तरह से आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं करोगे। आपका जो एक्शन होगा इट विल बी बेस्ड ऑन द लॉ। दैट इज द फर्स्ट इंप्लीकेशन। द सेकेंड इंप्लीकेशन इज इक्वलिटी बिफोर द लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसका सिंपल सा मीनिंग यह है कि किसी भी पर्सन के फेवर में कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं होंगे। मीन्स कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। ओके, ट्रीटमेंट सभी के लिए सेम होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ absence of any special privilege. Then
इक्वल सबमिशन ऑफ ऑल सिटीजन्स, भले ही एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, रिच पुअर, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, तो इक्वल सबमिशन ऑफ ऑल सिटीजन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ मीन्स अगर आप स्पेशल हो तो आपके लिए स्पेशल लॉ नहीं होगा, आपके लिए स्पेशल कोर्ट्स नहीं होंगे, ठीक है, सभी के लिए ऑर्डिनरी लॉ होगा एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट में ही उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन फ्रांस देर इज ए ट्रेडिशन कि वहां पे ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव काफी स्ट्रांग है, तो उनके ट्रायल के लिए वहां पे कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का, तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट वहां पे दिया जा रहा है। ओके, सो दिस इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कहता है कि नो पर्सन इज अबव द लॉ, लॉ इज द सुपीरियर अथॉरिटी, इससे ऊपर कोई भी नहीं होगा। फ्रेंड्स ये जो दोनों इंप्लीकेशन है ये इंडिया में भी एप्लीकेबल है, ओके, बट द थर्ड इंप्लीकेशन इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, वो क्यों हम समझते हैं। द थर्ड इंप्लीकेशन इज इंडिविजुअल राइट्स टेक प्रिसीडेंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। देखिए इन ब्रिटेन वहां पे पार्लियामेंट इज सुप्रीम, तो कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ होगा दैट विल बी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए ये जो थर्ड इंप्लीकेशन है ये वहां पे एप्लीकेबल है। बट इन केस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ओके, तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, तो इसलिए ये जो थर्ड इंप्लीकेशन है ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होती है। तो फ्रेंड्स दीज आर द थ्री इंप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रूल ऑफ लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स दिस टर्म रूल ऑफ लॉ इट इज नोवेयर डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ओके, बट इफ वी टॉक अबाउट प्रीएम्बल वहां पे क्या वर्ड यूज किया है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, तो वी से कि प्रीएम्बल एक्सप्रेसली स्टेट्स द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इन आर्टिकल नंबर 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ दिस टर्म इज यूज्ड, सो इट इज इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी ने कहा है कि इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स यू कैन नॉट अमेंड, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दिस फीचर, ओके, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, आप इसको अमेंड नहीं कर सकते हो, ऑलराइट। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखेंगे क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो देर इज वन फेमस केस AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, तो देर वॉज वन डिसेंटिंग ओपिनियन और उसमें जज ने ये कहा था कि विदाउट द परमिशन ऑफ द लॉ आप किसी को भी उसकी लाइफ लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते हो, सो देर हैज टू बी अ लॉ दैट इज रूल ऑफ लॉ, दिस इज AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। द सेकेंड केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज चीफ सेटलमेंट कमिश्नर पंजाब वर्सेस ओम प्रकाश 1968। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज सेंट्रल एंड मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, इट इज इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल नंबर 14 एंड इट रिजेक्ट्स द कंसेप्शन ऑफ ड्यूअल स्टेट, मतलब ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए डिफरेंट लॉज एंड जो गवर्नमेंट है उसके लिए डिफरेंट लॉज, डिफरेंट प्रिविलेजेस, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सो इट रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्शन ऑफ ड्यूअल स्टेट, और ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ओके, बट फ्रेंड्स देर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल जो मिलिट्री लॉ है वो आम जो पर्सन्स हैं उनको गवर्न करते हैं, ओके, इट डजंट इम्प्लाई दैट प्राइवेट पर्सन्स उनके जो राइट्स होंगे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के राइट के बराबर होंगे, ऐसा नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर्स उनके पास पावर होती है कि वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, बट ये पावर किसी और के पास नहीं होती है। सिमिलरली और क्या एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, गवर्नर, उनके पास काफ़ी सारे प्रिविलेजेस होते हैं, इम्यूनिटीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 361, तो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस यू कैन नॉट अरेस्ट प्रेसिडेंट, यू कैन नॉट अरेस्ट गवर्नर। ड्यूरिंग दैट टर्म ऑफ ऑफिस किसी भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो अगेंस्ट गवर्नर, अगेंस्ट प्रेसिडेंट, तो दीज आर सर्टन एक्सेप्शन, ओके, बट नॉट ए जनरल रूल। सो फ्रेंड्स दिस इज
दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड आई होप ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय.